क्वेश्चन बनने आ गई हूँ मैं क्वेश्चन बनने ऑफिशियल फिर से। तो जल्दी से पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप जब भी मेरी वीडियो आए तो पहले आप तक पहुँचे। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूशी वर्णा ऑफिशियल। तो क्यूशी वर्णा की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आपकी फैमिली को भी आपका साल ये बहुत ही अच्छा बीते और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2020 बहुत ही प्रॉब्लम्स भरी ये ईयर गुजरा है, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, पूरा साल ऐसे ही लॉकडाउन में बीत गया, और बहुत लोग तो लॉकडाउन में अपने घर जाने के लिए तरस गए थे। कोरोना की महामारी के चलते बहुत लोग बेघर हो गए अपने घर से, बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसे कि वो लोग दिल्ली वगैरह में रहते थे तो वो लोग की ऑफिस वगैरह भी बंद हो गया था लॉकडाउन के चलते। वो लोग मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पैदल चलने पे उतर आए थे कि हम पैदल जाएंगे अपने घर, मगर वो लोग नहीं, कोई कोई नहीं जा पाए, वो लोग वहीं पे मृत्यु हो गई उनकी। और बहुत लोग तो अपने मम्मी पापा, उनके छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे पैदल, और हम लोगों ने तो टीवी में देखा था बहुत लोग छोटे छोटे बच्चे और उनके मम्मी पापा जा रहे थे, उनकी मम्मी डेथ हो गई उनकी रास्ते में ही, और उनके बच्चे बहुत ही परेशान थे, बहुत ही रो रहे थे अपनी मम्मी के लिए, और बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था। और बहुत लोगों के पापा मर गए थे, वो अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था ये सब देख के। और बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्रार्थना करिए, हम प्रार्थना करें, आप लोग प्रार्थना करिए कि 2021 बहुत ही अच्छा बीते और ये सब प्रॉब्लम्स चली जाए और फिर से अच्छा साल होने लगे, और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे ऐसा कुछ भी ना हो कभी। और बहुत ही ज़्यादा दुख लग, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये साल बहुत ही अच्छा बीते, आपका परिवार बहुत ही अच्छा रहे, कोई बहुत सब मुस्कुराते रहें, कोई भी किसी के दर्द ना हो, किसी के दुख ना हो, किसी के परिवार में ऐसा कुछ भी ना हो, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये जो 2020 है बहुत ही गलत गया था, बहुत ही बेकार गया था यार, मगर जो ये आने वाला 2021 है ऐसा कुछ भी ना हो, उसमें सब कुछ अच्छे से होने लगे जैसे कि पहले हुआ करता था, सब कुछ स्कूल वगैरह ओपन हो जाए, हम लोग फिर से स्कूल जाने लगें, खूब सारी मस्ती करें, कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार दुखी ना रहे। सब मैं प्रार्थना करती हूँ और आप सब भी प्रार्थना करें कि अपने बच्चों, आपके बच्चे और या किसी के भी बच्चे अपने मम्मी पापा से बिछड़े ना, और ना ही अब अपने बच्चों से बिछड़ें, और मैं चाहती हूँ पहले जैसा सब कुछ हो जाए। ओके, सो फिर से मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2021, ये साल आपका बहुत ही अच्छा गुजरे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाय।